जय श्री महाकाल। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया एकदम। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी शाम से, और अभी भैया का कॉल आ गया है। कल आपने देखा होगा कि भैया को हम पूरा हैंड ओवर करके आए थे, चीजें सारी साफ करने के लिए उनका कॉल आया है। बोले भैया सारा कुछ हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं सारा कुछ उन्होंने काम किस तरीके से किया है, अच्छे से किया है नहीं किया है। बाकी वो जो है हमारी चिमनी लगाना जो बाकी थी घर में, उसके लिए भी वो ग्लेन, शायद ग्लेन कंपनी की है वो, उनका भी कॉल आया था। तो बोले सर हम मंडे को आ पाएंगे, कल नहीं आ पाएंगे। और दुविधा ये है कि हमें निकलना है कल घर, कल सुबह या फिर कल शाम को घर निकलना है। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी सनसेट बहुत प्यारा हो रहा है, देख रहे हो कितना प्यारे नज़ारे हैं, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। क्या ही प्यारा सनसेट है, और क्या ही प्यारे सनसेट के साथ में क्या ही प्यारे नज़ारे हैं। तो इसको बोलते हैं ना कि आनंद की अनुभूति वो यहीं से होती है। मैंने बोला था नहीं मज़ा आया तो बोल देना, अभी बाहर से दिखाता हूँ मैं प्यारे प्यारे शॉट आपको। ये प्यारे बीस्ट, और प्यारे बीस्ट के साथ में ये प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। है ना, दिल खुश कर देने वाले। तो फाइनली हमारा घर हो गया है कंप्लीट, ये सारी चीज़ें उन्होंने कर दी हैं। और इधर का भी आप लोगों को दिखाई देता हूँ मैं, ठीक है। सारा कुछ हो गया ही है, परफेक्ट हो गई है, दिख रहा होगा आपको। और इसके अलावा जो इधर का भी था, ये भी इन्होंने परफेक्ट कर दिया है, साफ कर दिया है अच्छे से, सारा कुछ क्लीन एकदम परफेक्ट कर दिया है। एक बार आपको सारी चीज़ दिखा देता हूँ मैं, प्रॉपर तरीके से किया हुआ है सारा कुछ, सॉफ्ट क्लोज में। ये भी बहुत प्यारे हैं, अपने आप हो जाता है वो। और बाकी तो मुझे तो जानते ही हो आप। ये इस पे हमें एक वो ला के रखना है, वो ला के रखना पड़ेगा। बाकी जो यहाँ से सनसेट दिखता है, मतलब क्या ही गजब का सनसेट दिखता है यहाँ से, दिखाता हूँ आपको मैं। देख रहे हो वो हमारे नीचे धनो खड़ी हुई रेंज रोवर, और ये प्यारे प्यारे सनसेट। एक बार जो हमारे ऑफिस वाली जो वाटर होने वाली है वो दिखा देता हूँ आपको मैं, एकदम परफेक्ट क्लीन कर दिया सभी इन लोगों ने। ये भी सारे सॉफ्ट क्लोज में, अपने आप क्लोज हो जाएंगे। ये भी सारे सॉफ्ट क्लोज में, बहुत ही प्यारे हैं बाकी। और ये किचन भी इन्होंने पूरा रेडी कर दिया है, बस ये एक जो ग्लेन का चिमनी है, ग्लेन का चिमनी लगना बाकी है, बाकी तो हर एक चीज़ परफेक्ट है। ये थोड़ा सा इन पर ध्यान मत देना, ये वायरिंग वगैरह करवानी बाकी है अभी, ये पूरा अंदर से डलेगी, स्ट्रिप वगैरह जो इन्होंने निकाल रखी है ना, ये वाली सारी ये डलेगी बाकी। तो ये ग्लास वाला ये हो गया, ये इस तरीके से ओपन होगा पूरा परफेक्ट, और एक ये इस तरीके से ओपन होगा, और ये भी ये इधर ओपन होगा ताकि वो चिमनी में प्रॉब्लम ना आए। बाकी ये तो सही प्यारा है, बहुत प्यारा काम करके दिया है सभी, एकदम परफेक्ट, तीन दिन में सारा काम कर दिया है, और क्या चाहिए। ये अंदर का पूरा एक स्पेस है, और ये यहाँ पे एक ड्रॉज है, इसमें भी अगर बाकी का सामान कुछ रखना हो वो, और बाकी ये अंदर यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें इसकी रखनी हो तो वो, बाकी तो ये आर ओ ही सही। इधर भी बहुत प्यारा है, ये वेंटिलेशन के लिए दे रखा है इन लोगों ने, बढ़िया है बाकी। तो ये है सारा कुछ, परफेक्ट हो गया है। अभी बस ये कचरा निकालना बाकी, यहाँ पे इतना भी कचरा रख रखा है, इसको निकालेंगे, इसको फोड़ने में मज़ा आएगा। क्या बेटा? अंजू ये फोड़ने में मज़ा आएगा ना बेटा, पूरा बंडल है, क्या करेगी इतने को। अभी बताया क्या हुआ, जो आपको सनसेट दिखाई दे रहा है ना, ये जब पूरा हट जाएगा तो यहाँ से बैठ के पूरा सनसेट देखने में बहुत प्यारा मजा आएगा, बढ़िया यहाँ पे बैठ के ट्रेडिंग करेंगे। बाकी तो यहाँ पे टीवी यूनिट लग गया है, टीवी यहाँ पे एक लग जाएगा, सोफे वगैरह तो ही गए, कालीन वगैरह फिर से बिछ जाएगा, नीचे की क्लीनिंग थोड़ी सी बाकी है करेंगे, और बाकी फैन वगैरह तो प्यारे लग रखे हैं। तो ये है यहाँ का पूरा अपडेट आज का,
आज हमारा सारा काम हो गया है, अभी एक शादी निपटानी है, शादी के बाद में फिर कमाना है और कुछ भी नहीं करना है। लगातार 5-6 महीने अच्छे से से मेहनत करनी है, ब्लॉगिंग पे भी ध्यान देना है, ट्रेडिंग पे भी ध्यान देना है, एकेडमी को भी आगे लेके जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक दो सोर्स ऑफ इनकम और थोड़ा सी जनरेट करना है, तो उसके लिए सोच रहा हूँ मैं कुछ अच्छा वाला। बाकी चीज़ें जैसी जैसी होती जाएगी आपको तो पता जल्दी ही आएगा। ठीक है, चलते हैं, निकलते हैं अभी यहाँ से। ये सारा पूजा का सामान हमारा इधर रख दिया है। यहाँ पे हमें एक बनवानी है अभी, वो वाली भैया को बोल दिया है मैंने, तो आजकल में आएंगे तो यहाँ पे भी एक वो अलमीरा बना देंगे, ताकि बाकी का जो सामान है वो यहाँ पे एक स्टोर रूम के तरह इसको हम रख सकें। तो ये है छोटा सा आसियाना हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, धीरे धीरे कमाएंगे बढ़िया और बड़ा भी लेंगे, 1-2 करोड़ वाला, सही है ना। तो अभी मैंने बताया घर का तो काम कम्प्लीट हो चुका है, आज का वीडियो 7 बज गई, 8 बजे मुझे अपलोड करना है, और अभी एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, अभी कुछ भी एडिट नहीं किया है। बाकी ये सामने के नज़ारे हैं मस्त वाले, और मतलब यहाँ पे वाइब आएगी इस घर में शिफ्ट होने के बाद में, मुझे अब तक पता है ये बहुत वाइब आने वाली है। अभी पूरा एडिटिंग निपटाते हैं, घर चल के इसको अपलोड भी करते हैं, और अपलोड करने के बाद में फिर जो आज का जितना भी कॉन्टेंट है जो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको भी फिर से थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी एडिटिंग में बहुत मतबच्ची पड़ती है, और जो बंदा पहली बार करता है ना, मतलब अभी नया कर रहा हूँ मैं, तो भयंकर दिक्कत हो रही है। बाकी तो हुआ तो आज मुझे एक दो मीटिंग भी लेनी है, एक पब्लिक मीटिंग है, एक वीडियो जो मुझे ऑलरेडी अपलोड करना था वो कर चुका हूँ मैं 6 बजे वाला। जो लोग मेरे दूसरे वाले चैनल पर नहीं है वो एक बार जाकर देख लेना, विजिट कर लेना टेडन एकेडमी वाला, और जो लोग टेडन एकेडमी से देख रहे हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोनों चैनल पर अलग अलग कॉन्टेंट आ रहा है हमारा। बाकी तो मिलते हैं घर जाके। अभी मैं बात कर रहा था कि जो सामने ये गाड़ी आ रही ना रेंज रोवर, मतलब मानते हैं कि रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है सफारी, पर भाई साहब देखने में बाप लग रही है मेरी वाली, ये इस गाड़ी का तोड़ लग रही है इस गाड़ी का, चाहो तो साइड में खड़ा करके है ना किसी से भी पूछ सकते हो। अभी जो वीडियो मुझे 8 बजे अपलोड करना था, 8:20 हो चुकी है, और अब जाके ये रेंडर होके इसको बाहर कर रहा हूँ मैं, अभी इसको इसमें से इसमें भेजना है और फिर अपलोड करना है, फिर उसको 4K में प्रोसेस होने में 1 घंटा लगेगा, तो मुझे लग रहा है आज का भी जो व्लॉग है वो 10 बजे के आसपास ही आ पाएगा, तो ये ठीक रहेगा। हम जो भी डेली की व्लॉगिंग की जो टाइमिंग करेंगे वो 9:30 कर देते हैं, मतलब 9:30 के आसपास, ताकि डेली इस टाइम सब फ्री भी हो जाते हैं, आराम से वीडियो देख भी लेंगे, और डेली का एक मेरा शेड्यूल भी ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, 9:30 तक मुझे व्लॉग कैसे भी करके डालना है, तो वो 6 बजे तक का रखूँगा, तो भी 9:30 बजे तक जाके कर पाएंगे, तो ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो वही है, कल व्लॉग कोई ऐसा आने वाला है नहीं, परसों आएगा। अब एक दिन की मैं छुट्टी ले रहा हूँ, क्योंकि जो एक दिन का जो डिले करना है, क्योंकि एक दिन अगर मैं रिकॉर्ड नहीं भी कर पाया तो अगले दिन उसको मैं डिलीवर कर सकूँ, तो एक दिन का मैं गैप लेके चलूँगा। ठीक है, तो यही है, बाकी का आपको जो भी अपडेट है कल मिलता है। हाँ, अभी का तो सारा काम हो चुका है, कल सुबह मिलता है। जय श्री माता।